आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ट्रीटमेंट जो बालों की समस्या, बालों की रीग्रोथ, बॉल्डनेस जैसे केसेस में हम करते हैं और इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स देखते हैं। 50 से भी ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट्स हैं उनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स और क्लियर रीग्रोथ देखा जाता है। क्यों और किस तरीके से, टॉप 3 ट्रीटमेंट्स जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। बालों के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, मल्टीविटामिन से लेके सप्लीमेंट से लेके सारे ट्रीटमेंट से लेके क्या कुछ नहीं किया जाता स्कैल्प के लिए, बट आज इस वीडियो में उन सभी का सार भाग हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई एम गोना पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, क्यों और किस तरीके से ओनली 3 ट्रीटमेंट्स दैट यू रियली रियली रिक्वायर आपके बालों के समस्या के लिए। जानते हैं हमारी पहली ट्रीटमेंट। सबसे पहली ट्रीटमेंट है GFC ट्रीटमेंट या PRP ट्रीटमेंट। दीज आर द ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट, ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट्स है। इन ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट के पहले काफ़ी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं जो वीडियो के दूसरे पार्ट में हम समझेंगे। GFC या PRP ये क्या ट्रीटमेंट है, तो आपके शरीर में से ब्लड को निकाला जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और जैसे कि आपको पता होगा कि खून के दो पार्ट होते हैं, एक है प्लाज्मा और एक है WBC, RBC, प्लेटलेट एक्सेट्रा। तो इस प्लाज्मा जो कि रिच है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, एंटी हीलिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ है, रिजुविनेटिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये कई बार नीज़ में, जॉइंट्स में, स्किन में, हेयर में अलग अलग कर्म के लिए इंजेक्ट किए जाते हैं। इसका पेनिट्रेशन हम देखते हैं। इसी तरीके से जब ये स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं तो इसके बालों की समस्या के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जितना अच्छा शरीर में रस धातु होगा या प्लाज्मा होगा, आयुर्वेद में प्लाज्मा को रिलेट किया है कहीं ना कहीं रस धातु से, यानी हमारे शरीर का सबसे पहला धातु, जितना अच्छा होगा रस धातु उतना अच्छे होंगे रिजल्ट्स PRP के। हम कई बार देखते हैं पेशेंट ने अच्छा डाइट नहीं किया, कहीं अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कहीं कुछ अलग अन्य तरह की चीज़ें हैं और अगले दिन जब PRP करते हैं प्रॉब्लम्स, उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस रस धातु को अच्छा तैयार करें और फिर प्लाज्मा ट्रीटमेंट करें ताकि उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हमें मिले। प्लाज्मा जो PRP है इसका एक एडवांस मेथड है GFC थेरेपी, विच इज द ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट, और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट जो इन ट्रीटमेंट्स के पहले या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के पहले किए जाते हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, और वो है तो शरीर को अंदर से साफ करना। हमारे बाल ये सिर्फ स्कैल्प तक नहीं है, बाह्य नहीं है, बट स्कैल्प इज कमिंग फ्रॉम द स्किन, इट इज़ कमिंग इनसाइड द स्किन, राइट, बाहर से वो अंदर आ रहा है। एट जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एटलीस्ट यहाँ पर हम इन डिटेल विचार करते अभ्यंतर और बाह्य दोनों चीज़ों का, और बाह्य चीज़ों के बारे में तो हम पढ़ते ही रहते हैं पर अभ्यंतर चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और इस अभ्यंतर चीज़ में एक बताया है शास्त्र में कि पुराने टाइम पे अगर 100% में से 80% बॉडी होती थी ठंडी यानी अल्कलाइन नॉर्मल और 20% होती थी एसिडिक, जो होनी चाहिए बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होने के लिए। पर आज के टाइम पे रिवर्स में देखते हैं, 80% हर जगह इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, हर जगह एसिडिक टेंडेंसी है बॉडी का। तो इस एसिडिक टेंडेंसी को कम करने के लिए शरीर शुद्धिकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंचकर्म जहाँ पर वमन या विरेचन पेशेंट के प्रकृति अनुसार, पेशेंट के अवस्था अनुसार बताया जाता है। तो शास्त्र में बताया पित्त प्राधान्य हम देखते हैं बालों के समस्या के लिए, तो इस पित्त को किस तरीके से कम करें इसके लिए शास्त्र में बताया तत्र दोषहरणम अधोग मार्गम विरेचनम, यानी अधोग मार्ग नीचे के मार्ग से बढ़े हुए पित्त को जब हम निकालते हैं तब बालों की समस्या जो है ठीक होते हैं, कम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर के पित्त प्रदान को या आम्लशार द्रव्य जो शरीर में है, पित्त की जो चीज़ें हैं शरीर में उसे कम किया जाए विरेचन से या ऐसे दवाइयों से जो शरीर का पित्त कम कर रहा है। दिस टेक्स मी टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बालों की समस्या में रक्त धातु का बहुत बड़ा रोल है। पित्त और रक्त इसका एक आश्रयी भाव भी है और यहाँ पर हम देखते हैं जब दुष्ट रक्त बाहर निकाला जाता है पेशेंट के समस्या ठीक होते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ट्रीटमेंट जिसका नाम है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण अलग अलग तरीके से किया जाता है, जलों का उच्चारण से किया जाता है, अलाबु से किया जाता है, प्रच्छान से किया जाता है,
जैसे कि कुछ प्रच्छान लेके वहाँ पर एक अलाबू लगा कि इम्प्योर ब्लड को निकाला जाता है। एट जोवीज वी डू एन एडिशन कि ये करने के बाद वी अप्लाई जलों का उच्चरण, ये उसके ऊपर लीच लगाया जाता है और लीच थेरेपी यानी जलों का उच्चरण, जलवा या जलू इसके कुछ अलग नाम है। ये जलू जो ये 12 प्रकार के होते हैं उसमें से एक प्रकार का है जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ सेफ एंड इफेक्टिव। ये जलू जो है ये लीच है भगवान धन्वंतरी के हाथों में है, उस कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ आयुर्वेद। सो भगवानों के हाथ में जो लीच है डेफिनेटली इट इज़ देयर फॉर अ रीज़न एंड इट इज़ अ लाइफ सेविंग यू नो अ ट्रीटमेंट इन मैनी मैनी डिसऑर्डर्स। सिमिलरली लीच का काम सिर्फ खींचना नहीं है, इम्प्योर ब्लड को सिर्फ सक नहीं करता, उसका काम देना भी है। उसका काम है उसके सलाइवा में हुए जो एंजाइम्स है विच इज रिच इन इट्स प्रॉपर्टीज एंड वे मोर रिच देन एनी फूड मेडिसिन सप्लीमेंट हर्ब, इसका कोई ऑल्टरनेट बनाया नहीं जा सकता कभी, जो लीच के सलाइवा में। तो सलाइवा वहाँ पर पेनिट्रेट किया जाता है, पेनिट्रेट होता है वहाँ पर, उस सारी सलाइवा को पेनिट्रेट करता है, एंजाइम्स को सप्लाई करता है और एंजाइम सप्लाई करने से फर्स्ट सेशन से ही पेशेंट बताते हैं कि मुझे अभी रिलीफ लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे इश्यूज़ बेटर हो रहे हैं। सो पेशेंट बताते हैं कि लीच थेरेपी से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो नंबर वन ट्रीटमेंट दैट वी फॉलो एट जोवीज इज शरीर शुद्धिकरण, नंबर टू इज़ अ जलों का उच्चरण, एंड इन सभी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद इन्हें पित्त को कम करना, रक्त दुष्टि को निकालना, रस धातु को अच्छा तैयार करना, इसके बाद जब GFC, PRP, स्टेम सेल, मीजोथेरेपी, अन्य चिकित्सा पद्धत को जब ऐड किया जाता है, इसके अद्भुत फायदे हम देखते हैं। ये है आज का वीडियो, यानी टॉप 3 ट्रीटमेंट, सिंपल, स्पेसिफिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, जो बालों की समस्या के लिए जिसके अद्भुत अद्भुत फायदे हैं। 50 से भी ज़्यादा उम्र में हुए एलोपेशिया के केसेस में हम देखते हैं इस कंडीशन के अद्भुत अद्भुत फायदे हैं। ये था आज का वीडियो, आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।